जनता 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 का विवेक, क्योंकि मैंने कोशिश की थी, चाहे कुछ भी हो, एके मिश्रा जैसे विद्वान लोग हैं जो एक्सपर्ट्स होने के नाते राय रखते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तर्कों पर अपनी बात रखते हैं, तो एके मिश्रा इसलिए मेरे कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं, आप लोग तो एके मिश्रा जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। ये महंगाई है या सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही है? क्या वाकई में है महंगाई या सिर्फ मुझे ही दिखाई देती है? तभी मेरे को बार बार बोलते कि तुम्हें ही महंगाई दिखाई देती है और किसी को दिखाई नहीं देती, तुम्हें मोतियाबिंद हो गया। मेरे को तो मेरे कई ऐसे ऐसे बोलते हैं, कहते तुम्हें हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई देता, तुम्हें महंगाई दिखाई देती है, बेरोजगारी दिखाई देती है। बोलो अपना चेकअप करवाओ, मेरे को ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो एके मिश्रा, महंगाई है कि नहीं? चावला जी, आज पता नहीं क्यों बड़ी नर्वसनेस महसूस हो रही है आपके साथ डिबेट करते हुए। पता नहीं क्यों, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। क्यों? लेकिन जो आप बोल रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ। अगर विपक्ष भी इस चीज को बोलेगा कि महंगाई है कि नहीं है, तो मैं उससे सहमत हूँ। 6% का एक अच्छा सूचक माना जाता है कि 6% से ऊपर न जाना चाहिए। मैं इसमें और भी ऐड करूंगा कि और स्टैंडर्ड तरीके से देखा जाए, अगर खुशहाली वाली बात की जाए तो 2 से 4% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये स्कॉलरी फैक्ट है, ये मतलब इकोनॉमिक्स के ये प्रिंसिपल्स हैं, इसमें किसी पार्टी और राजनीति का नहीं है। तो आपके सवाल से मैं सहमत हूँ, महंगाई है। केवल आपको नहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा है। बादल जब बरसते हैं तो उसमें सब गीले होते हैं, पूरी दुनिया में महंगाई की मार, बारिश हो रही है, उससे आप ही प्रभावित नहीं है, सभी प्रभावित हैं। अब आगे जो आप सवाल पूछेंगे तो अब हम उसको आगे बढ़ाएंगे। हाँ, पूरी दुनिया में महंगाई है, आप मुझे ये समझा रहे हैं, इसलिए हमारा देश भी अछूता नहीं है, राइट? हम अपने देश पे बात करेंगे, हम केवल अपने देश के बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया से तो अपना देश भी अछूता नहीं है। लेकिन चलिए, आपने अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है तो हम दूसरे नहीं, देशों मेरी की कोई बात रिस्ट्रिक्शन नहीं है पाकिस्तान सर। और श्रीलंका आप देखिए, मेरी रिस्ट्रिक्शन पे काम नहीं करते मैं हैं। पाकिस्तान श्रीलंका की बात मैं नहीं जानता करूंगा। हूं, मैं जानता हूं। एके मिश्रा, आज क्या है कि आज टॉपिक थोड़ा लीक से हटके हो गया, क्योंकि आप, मैं जानता हूं, दिन में 5-5 डिबेट्स करते होंगे, एक भी महंगाई पर नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूं। अरे सर, मेरे लिए कोई लीक से हटके नहीं मैं है। जानता मैं जिंदगी भर यही पढ़ता रहा मिश्रा जी, मैं जानता हूँ। अभी तो डिबेट की शुरुआत हुई है ना। आपने आपने आप कहा अपने पत्ते खोलिए, हमने भी पत्ते रखे हुए हैं, आप अपने पत्ते तो खोलिए। एके मिश्रा, मेरे पास कोई पत्ते नहीं है, मैं तो सिर्फ सवाल लेकर आता हूँ, मैं सवाल पत्ते नहीं खेलता हूँ, मेरे को आते भी नहीं है। मैं एके मिश्रा एक बात जानना चाह रहा हूँ बस इतना, कि ये जो आप बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस तरह की महंगाई की नौबत है और ये सब कुछ है, तो हमारा देश इससे अछूता नहीं है, तो मतलब आप ये समझा रहे हैं ना कि बहुत हुई महंगाई की मार, ये सब बातें जो हैं ये सिर्फ दावे थे। नहीं, दुनिया को छोड़ दीजिए। हाँ, महंगाई 7.1% जो आई है, ये अभी इस महीने का है, अगले महीने का जो प्रोजेक्टेड डाटा अभी आप देख लीजिएगा कि वो इससे जो है कम होने का जो है वो उस लेवल तक का जो एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल होता है, अगले 1-2 महीने का प्रोजेक्टेड आप देखिएगा। दिस इज वन थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप बोल रहे हैं मैं मानता हूं, मैं किस आधार पे मान लूं? एक मिनट, एक मिनट। आपने कहा कि ये कम हो जाएगी, इसका आधार क्या है कि पिछले 6 महीने से आरबीआई ने एक बात बोली 6% होनी चाहिए, और पिछले 6 महीने से वो स्थिर है, 6 महीने से स्थिर है। आपने किस आधार पे मान लिया कि ये 7.1% है? तो मैं आपसे तो पूछ रहा हूँ, आपका आधार होगा ना, आपको जब इतना मालूम है कि ये कम हो जाएगी, उसका आधार पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मेरे अपने प्रोजेक्शन नहीं है, जिस आधार पे आप 7.1 मान रहे हैं या 7.5, मैं मान नहीं रहा, जो है मैं उन्हीं का प्रोजेक्शन है। पिछली बार 7.4 था, इस बार 7.1 है। आगे का महीने, आगे के महीने के प्रोजेक्शन आपने देखे ही नहीं। आपने देखा इस महीने में इतना है, पिछले महीने में उससे ज्यादा, पिछले 6 महीने की बात कर रहा हूँ, मैं पिछले 6 महीने के आंकड़े की बात कर रहा हूँ एके मिश्रा, पिछले 6 महीने के आंकड़े। आगे के 6 महीने भी देख लीजिए, अपनी टीम को बोल दीजिए कि आगे के 6 महीने के प्रोजेक्शन आगे देख लें। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं ना कि मैं अगले 6 महीने के भी देख लूं, मैं पिछले 6 महीने की देख सकता हूं, आगे के 6 महीने की मेरे पास कोई इतना अंतर ध्यान नहीं है मेरा। भाई, टाइम को तो हम रिवर्स नहीं कर, मैं तो नहीं कर सकता हूं कि आज के 6 महीने पहले महंगाई अगर 7% थी, तो 6 महीने पहले टाइम बैक करके जा करके वहां पे मैं उसको 6% कर दूं। आगे का वचन मैं आपको दे सकता, वचन क्या, हम तो एनालिस्ट है, वचन तो सरकारें देंगी या विपक्ष देंगी। ये सरकार को हटा करके ये महंगाई कम करेंगे जो विपक्ष के लोग हैं,
लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ बात आप में देश की करूंगा। बहुत खूब भाई। अरे मैंने विपक्ष के बोला मैम, आप यह नहीं, बोल नहीं, लगाइए। आपने कहा विपक्ष के लोग मानेंगे, आप पक्ष नहीं, आप मानते हैं। मैंने बोला मैं एनालिस्ट हूँ, जवाब सरकारें देंगी या विपक्ष के लोग देंगे। महंगाई को सुधारना है तो या तो सरकार सुधारेगी या विपक्ष के लोग। पिछले एक साल से तो एक मिश्रा महंगाई कम कर रहे हो, पिछले एक साल से तो बैठ के महंगाई कम कर रहे हो, एक साल में मेरे सामने तो महंगाई कम नहीं कर पाए आप। अरे कहाँ एक साल की आप बात कर रहे हैं, जब आप पीछे चल रहे हैं तो चलिए ना 1974 से, बोलिए अपनी टीम को 1974 काम करिए। चावला जी 2009, 10, 11, 12, 13 जरा डाटा निकाल लीजिएगा, अगले चरण में कितने परसेंट महंगाई की। आप वर्तमान में रह के काम कर सकते हैं, अब कह रहे वापस चलते हैं। हम नहीं, हम वापस जाके हम करेक्ट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। आराम से, इजी, हम आपको दोष भी नहीं दे रहे हैं कि पहले महंगाई थी तो जी सूली पे चढ़ा दो सरकार को। आप कह रहे हैं आंकड़े पुराने निकाल दो, मैं निकाल दूं, मैं निकाल दूं। अगले के मिश्रा को अगले चरण पे ले जाने के लिए 2009 से लेकर के 2013 प्लीज ओके डाटा निकालूंगा पक्का। अब मैंने आपसे डिबेट की चर्चा की, अब मैं रिक्वेस्ट कर सरकार क्या चाह रहे हैं, 2009 से 2014 का डाटा निकालिए क्या परसेंट था, लेके बैठिए। जी निकाल दूंगा, अभी इसी डिबेट में निकालूंगा, आप टेंशन मत लो। आप जानते हो मैं डाटा के साथ बात करता हूं, मेरे को अगर हिंदू मुसलमान पे चर्चा करनी होती तो फिर मैं इतना रायता क्यों फैलाता है ना। एक मिनट, एके मिश्रा जी, महंगाई पर चर्चा करना, महंगाई पर डिबेट्स करना वाकई बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूं इस बात को। बेरोजगारी पर चर्चा करना बहुत मुश्किल है, ये भी जानता हूं, कितना रिस्क है इसमें ये भी जानता हूं। लेकिन ऐसे स्थिति में क्या महंगाई वाकई में देश के लिए कोई मुद्दा नहीं है, जिस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए? एके मिश्रा प्लीज। एक तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इंटेलेक्चुअल टॉपिक आपने उठाया है, और मैं आपको ये भी बोलता हूं कि इसको अभी की सरकार और पहले की सरकार से जोड़ करके मत देखिए, आम आदमी का ये मुद्दा है। हमारी आपकी जेब या जो चीजों के दाम बढ़ते हैं उसके ऊपर 500 चीजों के फर्क पड़ते हैं। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं, मैंने आपको बोला कि ठीक है वर्स्ट कंडीशन में 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन डेवलप्ड कंट्री में ये नॉर्म 2-4% है। आज की डेट में भी अगर आप महंगाई देखेंगे तो दो देशों में महंगाई अभी 2% है, जो हमारे यहाँ 7.1% है वो दो देशों में है। और कुछ देश ऐसे भी हैं, यूके वगैरह में 9.1%, यूएसए 9%, टर्की में 78% है, यूरो एरिया में 8.6 है। तो वो हमसे बेहतर मॉडल, उनका इकोनॉमिक मॉडल था, हम उनकी चिंता नहीं करते हैं। जो अब देखिए एक एग्जांपल लीजिए, आपने बोला कि ऐसे कौन से देश है जहां पे कि फूड की महंगाई इतनी बढ़ गई हो, इन्फ्लेशन बढ़ गई हो। मैं आपको बताता हूं बहुत सारे ऐसे देश हैं जो गेहूं के लिए तरस रहे हैं, महंगाई तो छोड़ दीजिए, भिखमंगई की हालत आ गई है कि एक दाना गेहूं का मिल जाए। आपने एक बात और बहुत अच्छी उठाई थी, लॉजिकल उठाई थी, मैं उसको पक्ष या विपक्ष में प्रहार नहीं मानता हूं। आपने बोला आटे के ऊपर जीएसटी लगा दिया जाए। मेरा ऐसा अनुमान है कि जो जीएसटी की व्यवस्था की गई है वो ऐसी की गई है कि अगर आप खुला राइस लेते हैं तो उस पे शायद जीएसटी नहीं है या बहुत कम है, लेकिन जब वो ब्रांडेड हो जाता है ना पैक, तो वो उस पे जीएसटी बहुत बढ़ जाता है। आटे में भी यही है, गेहूं पे जीएसटी नहीं है, खुले आटे में शायद जीएसटी नहीं है, लेकिन जब वो ब्रांडेड हो जाता है, कॉमर्शियल यूज में कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए करती हैं, तब तो लाजमी है और गवर्नमेंट का सही कदम है कि उस पे जीएसटी लगाएं। ब्रांडेड आटा कौन खा रहा है भाई, यहाँ पे खाने में लग्जरी की चीजें, आप 5-स्टार होटल में जाकर के डिनर करिए और उम्मीद करिए कि आप टैक्स भी ना पे करें, बात गरीबों की हो रही है। तो मैं ये मानता हूं कि महंगाई स्लाइड है जो है, अगर हम 6% को मांगे माने तो 1% भी बहुत होता है, क्योंकि एक एक पैसा बड़ा कीमती होता है। बहुत वैलिड बात आपने कही, WPI जो अपने पिछले 30 सालों में थोक महंगाई दर की अगर मैं बात करूं सबसे ऊपर स्तर पर आ गई, खुदरा महंगाई दर जो है वो दोगुनी हो जाती है लगभग 15% के आसपास, क्या ये भी शुभ संकेत है? नहीं देखिए ये शुभ संकेत नहीं है, एक चुनौती की तरह मैं इसको देखता हूँ। आपने, मैं इसको आप लोगों को चुनौती नहीं दे रहा हूँ, ये हमने लगभग 20 साल पहले पढ़ा था तो हमें याद है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आपके व्यूअर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके या सभी का हो सके। जी देखिए होता क्या है, 1974 में इन्फ्लेशन रेट 28% था, हाईएस्ट है
1960 के बाद देखेंगे जब ऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा आने लगे तो हाईएस्ट है, ठीक है, दिस इज वन थिंग। 2009 से लेकर 2013 तक देखेंगे जब यूपीए की सरकार थी, मैं आपके ऊपर भी तंज नहीं मारूंगा कि वो आपकी सरकार थी, अब सिचुएशन ऐसी थी वहां पे कि 9% 10% से लेकर 13% तक गई है। आप अपनी टीम को बोलिए, डाटा देख लीजिए, अगर गलत हो तो आप बताइएगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ सिचुएशनल एनालिसिस मैं ये कर रहा हूँ कि भाई मैं बोलता हूँ कि 1974 में जब महंगाई 28% थी, इन्फ्लेशन रेट, तो क्या उस वक्त विपक्ष ने या ये बोलना चाहिए कि भाई भगाओ जैसे श्रीलंका के राष्ट्रपति भाग गए? क्रिटिसाइज पॉजिटिव होना चाहिए, गवर्नमेंट को सजेशन दीजिए कि जैसे आप 7.1% पे ले आए हैं इसको 6% पे ले आइए, गवर्नमेंट से टाइमलाइन मांगिए कि आप 3 महीने में करेंगे कि आप 6 महीने में करेंगे। ये चुनौती है, लेकिन ये चिंता की बात नहीं है, चिंता और चुनौती में फर्क है। ओके, फिर मैं पटने में सक्षम तो है, अभी हमारे भाई जो 71-74 की स्थिति रहे थे उस समय जरूरतें थी देश को उन्नत करने की, लग्जरी की बात कोई करता भी नहीं था, आप लग्जरी को मत जोड़िए वहां से, उस समय देश को यहां तक पहुंचाने के लिए जो चीजें जरूरी थी वो हो रही थी। मैंने जनरलाइज नहीं बोला है, मैंने एक स्पेसिफिक कमोडिटी के लिए एग्जांपल दिया है। मैं आपके बीच में नहीं बोली हूँ, मैं कह रही हूँ कि अगर हम 4 देशों में से एक हैं, तो हमें ये सोचना है कि अगर हम कुछ उत्पादन में जो खाद्यान्न है हम विश्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस स्थिति में जब महंगाई, बेरोजगारी और भूख की बात होती है तो क्या अर्जेंटीना में कितने परसेंट महंगाई है? अभी आपने बोला, जरा बताइए अर्जेंटीना में आज के पैसे कितने परसेंट महंगाई है? 60% महंगाई है अर्जेंटीना में, जो आप बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मिश्रा जी मैं बोल दूं फिर आप बोलिएगा, इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है, देश की बात है, वहाँ देश की बात है ना। अरे हम देश की बात, जो आप अमेरिका सबसे बड़ा देश है, 9.9% महंगाई है वहाँ पे। अरे जितनी भी महंगाई हो आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो, 4 लोगों में से एक हो ना, अपने देश की स्थिति की हम बात करिए, हम अमेरिका से बात क्यों करें, यूरोपीय देश है उसके हर चीज अलग है। दे रहे हैं अमेरिका और अर्जेंटीना को बहुत अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं होती, आप लोग ना हर चीज में बस आपकी बात मान ले तो सही, आपके आपके पास आ रहा हूँ। शिल्पी जी पहले आप अपनी बात कंप्लीट करेंगे फिर शालिनी लेके जाओ ना, आने वाले टाइम की बात करो कि हमारा देश जो है वो विश्व गुरु बनने जा रहा है बात नहीं, और इसका बहुत जल्दी आपको एक और आंकड़ा, आप पुरानी बातें मत करो हमारे जी, ओके ठीक है बताओ। जैसे कि मिश्रा जी ने भी बताया 1970 से लेके 74 तक कांग्रेस के टाइम में महंगाई 24% तक आ गई, तो आप उसको क्यों नहीं गिन रहे फिर? हम पुरानी बातों को नहीं कर रहे, इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर पुरानी बात करनी है तो उसकी भी करो, कांग्रेस की भी करो। 1974 में इन्फ्लेशन रेट 28% मिश्रा जी, एक के मिश्रा जी प्लीज, मैं बहुत कम 28% फैक्ट है, ये डाटा है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मिश्रा जी, एक के मिश्रा जी, ओके मिश्रा जी यहाँ पर पार्टी और कांग्रेस आप लोगों के पास पहली बात तो कोई जवाब है नहीं, ना तो सुधा जी आपके पास है ना शिल्पी जी आपके पास कोई जवाब है, और भविष्य की बात करो, पुरानी बातें मत करो, पुरानी बातें मत करो, भविष्य की बात करो। एक मिनट, आप तो समझदार हैं, आप उसको 6% पे ले आए, 10% से लेके 13% तक, 70 से लेके 74 तक भी फिर बोलिए, आप सिर्फ 2014 पे क्यों अटके हुए हैं, 70 से लेके 74 तक की बात भी कीजिए ना चावला जी। मैं आपने किसने मना किया है सुधा मैडम, सुधा मैडम प्लीज एक के मिश्रा, सुधा मैडम, शिल्पी मैडम, एक और आंकड़ा, और ये आंकड़ा इसलिए 74 की भी बात कीजिए प्लीज चावला जी, ऐसे नहीं बात चलेगा कि आप सिर्फ और 14 पे अटके रहेंगे, 2013 की बात कर ले, 74 तो बहुत पुरानी हो गई, 2009 से 2013 की बात करेंगे, आप क्या चाह रहे हैं, 12 और 13% थी, सरकारें थी समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की, वामपंथियों की, 13% इन्फ्लेशन रेट, हाँ यहाँ पे ये चुप हो जाएंगे कुछ नहीं कहेंगे।
नहीं उसमें भी लॉजिक है, मैं बता देता हूँ। बोलिए ना कि 13% इन्फ्लेशन रेट था तब भी हमने गैस के सिलेंडर को कंट्रोल करके रखा था, है ना? नहीं नहीं, आप नहीं, आप बोलिए तो मैं जवाब दूंगा। आप ऐसी बात कर रहे हो, आप आज मान रहे हो कि हम, आप ये लॉजिक दीजिए तो मैं बताऊंगा ना कि 2013 में 13% एक जनता जनता का विवेक, क्योंकि मैंने कोशिश की थी चाहे कुछ भी हो, ए के मिश्रा जैसे विद्वान लोग हैं जो एक्सपर्ट्स होने के नाते राय रखते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तर्कों पर अपनी बात रखते हैं, तो ए के मिश्रा इसलिए मेरे कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं, आप लोग तर्कों के साथ बात रखते हैं, कोई बात नहीं। ए के मिश्रा जी, फाइनल कमेंट आपका, महंगाई को लेकर क्या देश में एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए या नहीं? मैं बहस की बात नहीं कर रहा, मैं चर्चा की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि समाधान विपक्ष भी दे, सुझाव विपक्ष भी दे कि आपको इस पर इंप्लीमेंट करना चाहिए। देखिए होता क्या है, हमने आपको पहले ही बोला था और पूरे डिबेट में एक भी चीज मैंने तथ्य के सिवा नहीं रखा, कोई पॉलिटिकल बात नहीं की है, फैक्ट एंड फिगर से आजादी से लेके अब तक की जो महंगाई की कंडीशन रही है, जो अभी सिचुएशन चल रहा है हमने बताया, आजादी से लेके अब तक कई बार हम 4% से ले 2% से लेकर के 28% तक की समस्या को, चुनौतियों को हमने सॉल्व किया है। ये चुनौती है, मैं फिर बोलता हूँ, ये चुनौती है और सबके लिए चुनौती है, विपक्ष को भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ये चिंता का विषय नहीं है। इसको श्रीलंका मत बनाइए कि अब 2 महीने बाद भारत श्रीलंका होने वाला है, वो इकोनॉमिक कंडीशन कुछ और होती है। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये अभी कोविड वगैरह बहुत सारी सिचुएशंस खत्म हुई है, ये चुनौती है। 7.5, 7.4 से अगर 7.1 आया है तो नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसी का देखिए, उन्होंने प्रिडिक्ट किया हुआ है कि अगले 4-5 महीनों में कहां जाएगा, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो चीजें जल्दी हो, सरकार पे प्रेशर बनाओ कि भाई 6% जल्दी से लेकर के आइए। वैसे तो देश सब पहले भी भगवान भरोसे था और आज भी, और इसमें कोई दो राय नहीं, कण कण में राम है, है ना? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ए के मिश्रा जी आपका भी, और सुधा जी आपका भी, और शिल्पी जी आपका भी, और शालिनी जी चर्चा छोड़ के चले गए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, कोशिश ये है कि तस्वीर बदलनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इस पर चर्चा इसलिए जरूरी थी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।